जैसे मैंने माता रानी की चौकी लगाई थी तो वो मुझे बोलती थी, मम्मा मुझे 7 नंबर वाली माता बहुत पसंद है, वो काल रात्रि माता की पिक्चर होती है जो, और 7 नंबर की ही थी। और मेरी बेटी भी 7 नवंबर को ही गई और उसी दिन मेरा बर्थडे भी होता है, तो वाले दिन ही मेरी बेटी गई है। तो मैं बहुत ये चीजें सोच सोच के रोती थी कि भी पता नहीं क्या है 7 नंबर, क्या है 7 नंबर, ऐसा क्यों हो रहा है कि भी जो भी चीज होती है 7 नंबर। और मेरी मतलब ऐसा हो रहा है मेरी लाइफ में 6 7 8 ये 3 डेट ऐसी है, इन बीच में ना कुछ होता है, या तो मतलब कुछ ना कुछ ऐसा मेमोरेबल होता है, या तो कुछ अच्छा होगा या कुछ बुरा होगा, पर होता है। और मतलब मैंने आज तक कभी किसी को ये डिस्कस नहीं किया। आंटी, एक मैं आपको बताता हूँ, हाँ आप जी बुरा किस चीज को मानते हो? बुरा किसको मानते हो? मृत्यु को, मौत को बुरा मानते हो? नहीं, नहीं मैं वैसे ही आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, बस आप जवाब दो। बेटी को भूल जाओ, सवाल का जवाब दो, बेटी की बात नहीं कर रहा, भूल जाओ। मृत्यु को जी बुरा मानते हो? पहले हाँ या ना, बस जो सवाल किया उसका जवाब दीजिए। बिल्कुल नहीं मानते? नहीं, तो फिर क्या बुरा हुआ 7 तारीख को? मेरी मदर की डेथ हुई थी 25 जुलाई को, नहीं आज क्या तारीख है? 26 है ना, आज कल बरसी थी उनकी। 25 का जोड़ कितना है? 7। जी सात। हाँ मेरा जी मेरा जन्मदिन आता है 16 मई को, 16 मई को मेरा जन्मदिन आता है, उसका जोड़ कितना है? 7। मैं सात। जिस हाँ घर में रहता हूँ उसका नंबर है 52, 52, उसका जोड़ आता है सेवन। 7। हाँ जी अब अगर मैं अपनी मदर की डेथ को देखूं कि भाई ये क्या हुआ, आपका ही प्रश्न लेके मैं आ गया, प्रश्न यही है जी ना आपका, घुमा करके आपके प्रश्न पे ही आ गए हम, कि वो ये क्या हुआ जी, 7 नंबर तो लकी हो गया मेरे लिए, अनलकी हो गया, कंफ्यूजन हो गई। तो अगर आपके लिए अनलकी हो गया, तो अगर आपकी बेटी 2 साल 3 साल बिस्तर पर पड़ी रहती, कहना नहीं चाहिए, और फिर जाती, और 7 नंबर अगर शुभ मानते हो तो कष्टों के बिना चली गई, बिना कष्टों के चली गई, वो ज्यादा सही है या कष्ट झेल झेल के जाना ज्यादा सही है? क्या ज्यादा सही है? नहीं अंकल जी, मैं इस बात के लिए प्रभु का, गुरुदेव का, अपने इष्ट देव का थैंक यू करती हूँ कि मतलब उसने हमें किसी भी तरह से कोई कष्ट नहीं दिया। और मैं तो यही सोचती हूँ कि बहुत प्यारी बेटी थी मेरी, और मैं इसके लिए भगवान का शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी प्यारी बेटी दी। मैं बस ये आपकी होता बेटी नहीं परिवार में थी आंटी, ना आपकी बेटी होती है ना मेरी बेटी होती है। जब तक बेटी आपकी रहेगी, तब तक आप पूरी जिंदगी रोते रहोगे। जब आप मानोगे कि ईश्वर की देन है, और ईश्वर ने दी और ईश्वर ने ही वापस ले ली, हाँ जी हम केवल केयर टेकर के लिए हमें दी। जिस जमीन पे हम रहते हैं ना, मैं जिस मकान में रहता हूं, इसका मालिक मैं नहीं हूं, इसका मालिक परमात्मा है, ईश्वर है, गुरु है। तो जब ये मेरे से जमीन ली जाए और मेरे को दुख ना हो, वो तभी नहीं होगा दुख, जब मैं ये माइंड में मान के चलूंगा कि इसका मालिक मैं नहीं था, जिसकी चीज थी उसने वापस ले ली। भाई आज नहीं तो कल मैंने आपके पास अपनी ज्वेलरी रखवाई कि हाँ जी क्या नाम है आपका, किरण जी, ये ज्वेलरी मेरी आप रख लो, मैं अमेरिका जा रहा हूं, 1 साल बाद आके वापस ले लूंगा। हाँ तो जी क्या आप उस ज्वेलरी पे कब्जा करोगे? नहीं करोगे ना। तो आप ये मान के चलोगे ना कि ये नितिन अंकल की अमानत है, जब आएंगे वो ले लेंगे, संभाल के मैं रखती हूँ। नहीं अंकल जी, मुझे ना इस चीज को समझने में बिल्कुल टाइम नहीं लगा, क्योंकि बेटी के जाने से पहले ही मैं मतलब मेडिटेशन और ये एंजल नंबर इन चीजों में मैं काफी बिलीव करती हूँ, तो मैं मेडिटेशन करती थी जैसे मैं, बट मुझे ये नहीं था कि भाई हमें अपने इष्ट देव का नाम लेना है, नाम जाप करना है। मैं बस ओम का जाप करती थी, जैसे मैं 1-1 घंटा मेडिटेशन में बैठ जाती थी। शायद गुरु जी की या भगवान की इच्छा थी कि भाई वो बुरा टाइम आने से पहले वो मुझे उस चीज के लिए तैयार कर रहे हैं, मैंने यही समझा है। और बस मुझे इस बात का दुख है कि मुझे अच्छे से याद भी नहीं है कि भाई मैंने लास्ट टाइम में मेरी बेटी को गले लगाया क्या किया, क्योंकि मैं उस टाइम बिल्कुल होपलेस सब कुछ भूल चुकी थी। बट हाँ, मुझे जैसे बेटी के जाने के बाद, जैसे मेरी मम्मा मुझे अपने घर ले गए, जाने के बाद मैंने वो भी किया, मैंने कहा जो भी हमसे गलती हुई है या कुछ भी हुआ है हमारी तरफ से, ये मैं उससे माफी मांगती, और वो जहाँ भी है वो हमेशा खुश रहे। तो नहीं आंटी, वो तो देखो कर्म बराबर हो गया ना,
वो जो दुख आपको मिला वो बच्चे जब जो आपने दुख दिया था, बुरा मत मानना, मैं आपको ब्रूटल सच्चाई बता रहा हूँ, बुरा मत मानना ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपके जरिए कई लोगों तक बात पहुंचानी जरूरी है, आप तो एक जरिया हो, आप भी जरिया मैं भी जरिया, लेकिन बात इम्पोर्टेंट है, जो बात बोलने जा रहा हूँ दैट इज इम्पोर्टेंट, नाइदर यू आर इम्पोर्टेंट नॉर मैं भी नहीं हूँ आप भी नहीं हो। आंटी पिछले जन्म में जो कर्म किए उसके प्रति कुछ कर्म किया, गलत कर्म किया, वो बच्चा आया उसने अपना आपसे लिया वापस, कर्म का भुगतान आपसे कराया, इतनी छोटी उम्र में बच्चे को क्या पता है, बच्चे को कुछ नहीं पता है, वो आपके ही कर्म है, वो बच्चा तो चला गया अपने कर्म लेकर, वो आपसे बदला समझ लो, आप बदला समझ लो देसी भाषा में, यही वर्ड यूज करना पड़ेगा। अब अनफॉर्चुनेटली उसका दुख आपको झेलना पड़ेगा, क्यों झेलना पड़ेगा, क्योंकि वो किसी जन्म में हमारे से उसके उसके प्रति गलती हुई है, उस बच्चे के प्रति नहीं, उस सोल के प्रति, आत्मा के प्रति। यस, बच्चा तो वो तो शरीर है, ये मिट्टी का है, इसकी कोई ये तो कोई वैल्यू नहीं करता है, आज शरीर ये है कल को दूसरा आ जाएगा, लेकिन जो सोल को दुख दिया है ना, तीन बार जन्म लिया है, अंबा अंबालिका कभी नदी बन के कभी नहर बन के महाभारत में बदला लेने के लिए भीष्म पितामह से, फिर शिखंडी का रूप लेके आया है तो बदला पूरा हुआ है, वो कहता है मेरी आत्मा को दर्द दिया है इस आदमी ने, तो बदला मैं लेके ही जाऊंगी इससे, वो लेडी कहती है, तो तीन जन्म बाद बदला पूरा करने आई है, तो सब कुछ तो हमारे सामने ही है, इसका कुछ नहीं कर सकते, वो कर्म का हिसाब आपका बराबर हुआ, और अब वही कर सकते हो जो आपने किया, कि फिर भी हमसे जो गलती हुई है हमें माफ करो, उस सोल को कह सकते हो, बाकी आगे अच्छे कर्म करें हम, किसी का मन ना दुखाएं, बस यही है। मुझे ये एक्सेप्ट करने में बिल्कुल देर नहीं लगी, और मैंने भगवान का, बल्कि मुझे सब कहने लगे किस भगवान के चक्कर में पड़ रही है, माता की पूजा करती है, ये करती है, वो करती है, क्या उसने तेरे बारे में सोचा, मैंने कहा कोई बात नहीं, और इवन जो फैमिली मेंबर्स थे उन्होंने तो मुझे ये तक भी बोला कि दिवाली के दिन बीमार हुए हो तुम लोग, दिवाली के दिनों में बीमार हुए, किसी ने ब्लैक मैजिक कर रखा होगा, किसी ने ये कर रखा होगा, मैंने कहा नहीं, माता रानी मेरे साथ ही, जो अगर अच्छा किया है या बुरा किया है वो अपने आप देख लेंगे, मुझे कुछ नहीं करना इस बारे में। उन्होंने सबने मुझे ये गाइड भी किया, बोला भी कि चलो किसी पंडित के पास चलते हैं, पूछ के आते हैं, मैंने कहा नहीं मुझे कोई नहीं, कुछ नहीं करना, मैंने कहा अगर किसी ने किया भी होगा तो वो जो हिसाब किताब है वो अपने परमात्मा अपने आप देखेंगे, और बस। गुरुजी से कब से जुड़े हैं आंटी आप, कब से गुरुजी से जुड़े? लास्ट ईयर मई में। अच्छा लास्ट ईयर, हाँ जी। अच्छा, अभी आप मतलब कि हाल फिलहाल ही अभी जुड़े हैं, ज्यादा टाइम नहीं हुआ? हाँ जी, और हम अभी 8 तारीख को ही गुरुजी के बर्थडे के नेक्स्ट डे ही बड़े मंदिर गए हैं। हाँ जी, और बस बाकी आंटी देखो रिलेटिव्स जितने मुंह उतनी बातें, जी बिल्कुल, इसका कोई मायने नहीं है ना, लोगों को कोई भी समझ भी नहीं है। मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, जब मैं छोटा था तो मेरे फादर एक दिन गाय का दान कर रहे थे पंडित को, जो पंडित होते हैं नॉर्मल हमारे घर के आसपास मंदिर में जो पंडित जी होते हैं, छोटा था मैं 10-11 साल का, मैंने कहा ये क्या है, तो उन्होंने कहा कि ये गायें दे देंगे पंडित जी को, ये मेरे फादर ने बोला, तो ये गाय ना हमारे पूर्वजों को पार करा देगी कोई नदी, बेतरनी नदी, बेतरनी नदी, गायें दे देंगे यहाँ पे, वो वहां पार करा देगी, और वो कोई कर्म उन्होंने, मैंने मन में सोचा कि यार वो कर्म का क्या हुआ, फिर जो कर्म किए थे उसका क्या हुआ, हाँ जी, जो उस सोल के कर्म है उसका क्या हुआ, कुछ नहीं। अच्छा जी, अभी मेरे एक रिलेटिव की, मेरे कजन की डेथ हुई यंग एज में, 45-46, हाँ, तो मेरे कजन की डेथ हुई, उसका रियल ब्रदर कहता है वहां जाना है, गया जी जाना है, मैंने कहा अच्छा जाओ, क्या आता है क्या होगा, वो गया जी जाएंगे ना मोक्ष मिल जाएगा, मैंने कहा मोक्ष मिल जाएगा, लोग लाखों जन्म की तपस्या कर रहे हैं मोक्ष नहीं मिलता, तुम गया जी जाके जाओगे, जाना अच्छी बात है, सब करना अच्छी बात है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि भाई सब करो, लेकिन जो ये कर्म है ना, कर्म इसका हिसाब ऐसा है आंटी, ये बराबर, जब तक हमारा हिसाब किताब बराबर नहीं होता, या तो फिर भगवान हमें अपना लेगा,
और जिस दिन अपनाएगा उसी दिन हमारी फाइल को फाड़ के फेंक दिया जाएगा। उससे पहले तक सबको अपने कर्मों का भुगतान करना है, प्रेमानंद जी को भी करना है। बार बार उनकी बात करता हूं क्योंकि हमारे आसपास वही अभी दिव्य ज्योत कह लो जिनका प्रकाश है। तो जब वो किडनी लेके बैठे हुए किडनी फेलियर में और वो खुद बता रहे हैं कि भाई मैं भी अपने कर्म ही भुगत रहा हूं, खुद बताते हैं वो, हाँ जी, तो फिर कौन रह गया? हम नहीं भुगतेंगे, भगवान ने धरती पर भुगते हैं कर्म अपने। हाँ जी बिल्कुल। हाँ तो बोलते किसी को कोई नॉलेज नहीं होती, कुछ नहीं होती। कोई कहता तू इतना मानती थी, क्या हुआ तेरी माता रानी ने बचा लिया, ये वो, ये सब फजूल की बातें हैं, करते हैं रिश्तेदार। मैं तो बहुत सुना उस टाइम में बहुत के भाई क्या कर दिया तेरी माता रानी ने, क्या कर दिया, बेटी को लेके चली गई, काली माता की पूजा करती थी में, नवरात्रे करती थी, ये था वो था और सब कुछ। अब देखा, बहुत सुना मैंने, बहुत। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बस सुना और मतलब अपने में ही रहा। उस टाइम तो ये था कि समझ भी नहीं आ रहा था कुछ, एकदम से ऐसे होना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बस सब बोले जा रहे थे और मैं सुने जा रही थी। मेरे को बोला गया था जब मेरे फादर की डेथ हुई थी कि भाई अब तुमने ना 40 दिन कुछ नहीं करना है, कोई दिया विया कुछ नहीं। अरे मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं होने वाला। एक तो मैं उसी दिन शाम को मंदिर भी गया था, बड़े मंदिर, और मैंने घर आके सत्संग भी किया था, गुरु जी का जोत भी जलाई थी, क्योंकि मेरे मन को सुकून, मेरा आस्था ईश्वर में है, मेरी आस्था उसमें है। तो इंसान थोड़ी बताएगा कि क्या करना है क्या नहीं, जब उसने हाथ पकड़ लिया है तो उसके भरोसे चलेंगे ना हम। हाँ जी हाँ जी। फिर इनके इन चीजों के कोई मायने नहीं रहते हैं। और आप मन से उस आत्मा से माफी मांगोगे ना आंटी, दो आंसू अपने आप निकलेंगे, अपने आप। जब आप कहोगे कि हमसे कोई गलती जाने अनजाने में हुई होगी, हुई हाँ होगी, जी। हम भी क्या करते हैं, मैं भी क्या करता हूं, अपने जो पूर्वज हैं, माता पिता, दादा दादी, जिनकी फोटो लगी हुई है, जब भी टाइम मिलता है उनके आगे जाता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ और अपने गुरु को, अपने ईष्ट को बोलता हूँ कि मेरा प्रणाम स्वीकार करें, अच्छी जगह इनको स्थान दें और जो हमसे गलती हुई हो हमें माफ करें, सभी पूर्वजों के आगे। अब उसमें सब आते हैं, क्योंकि हो सकता है जो मेरे दादा दादी थे इस जन्म में कभी वो मेरे माँ बाप रहे हो, अब वो सब सोल एक जैसी हो गई है। हाँ जी, वो कहते हैं ना हमारे जो रिलेशन होते हैं वो घूम फिर के हमारे पास ही आते रहते हैं। बिल्कुल 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 आंटी, किसी ना किसी रूप में वो हमारे पास घूमते ही रहते हैं, आते ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो क्यों घूमते रहते हैं उसका कारण भी जान लीजिए जी। मान लीजिए आपके अटैचमेंट रही अपनी बच्ची के साथ जी, और जब आपका अंत समय आया आपने याद किया अपनी बच्ची को, हाँ जी हाँ जी, तो आप जन्म अपनी बच्ची के इर्द गिर्द ही लोगे, फिर आसपास ही लोगे। हाँ जी, लेकिन हाँ भगवान जी। मना करता है ऐसा करने से। भगवान कहता है 24 घंटे मुझे ही याद कर, क्योंकि जब तेरी मृत्यु आएगी तेरे ध्यान में मैं होना चाहिए। कृष्ण भगवान ने गीता में कैटेगोरिकली ये लाइन बोली है कि अगर तुझे, हाँ, तूने कोई भी पूजा नहीं करी, कुछ नहीं करा, कोई तपस्या नहीं करी, लेकिन अगर अंत में मैं तेरे ध्यान में आ गया तो तेरे को मैं मिल जाऊंगा। लेकिन वो ऐसा होता नहीं है, प्रैक्टिस जिस चीज की नहीं होती ना होता नहीं। पूरी जिंदगी हमने बच्चे के पीछे लगे, बच्चा 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 बच्चा, पैसा 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 पैसा, तो वही चीजें घूमती हैं फिर सारे टाइम। हाँ जी बिल्कुल। बाकी आपका पता लग रहा है बच्चा खोने के बाद भी जितना धैर्य से आप बैठे हो, ये कृपा है गुरु की, ईश्वर की, जो आपको मेडिटेशन ने संभाला है, संभाला है। आपकी शक्ल बता रही है कि आपको काफी संभाला है। हाँ जी, बहुत बड़ा लॉस है। मैं अपने दोस्त के घर में देख चुका हूँ, एक बच्चे का जाना माँ बाप के लिए बहुत बड़ा लॉस होता है, बहुत बड़ा। वो थी भी तो अंकल जी आपको पता है सबके प्यारे होते, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, बट उसमें एक अलग सी ही क्वालिटीज थी, पूजा करना, मेरे साथ पूजा करवाना और हर किसी से प्यार से बोलना। मतलब आप जानते हो बेटियां तो होती ही प्यारी है, प्यारे बेटे भी होते हैं, बेटियों की अलग ही बात होती है थोड़ी। जी जी, चलिए आप भक्ति में समय दीजिए, जितना हो सके आप करिए। मेडिटेशन तो आप करते ही हैं, तो आपको तो बताने की जरूरत ही नहीं है, जो आप करते हैं वही आगे करते जाइए, बढ़ाते जाइए। मैं ये सत्संग सुनने के बाद से मैंने अमृत वेला जैसे नई तरीके से शुरू किया है, और मैं जपजी साहब का भी पाठ कर रही हूँ, ओम का, ओम नाम से मेडिटेशन भी कर रही हूँ, और मैं कल ही मंदिर से श्री महापुराण भी लेके आई हूँ। पहले मेरे पास नहीं थी, मैं फोन से ही कर रही थी।
फोन में से पढ़ रही थी, फिर आपने ही सत्संग में बोला था कि फोन में से नहीं पढ़ना है, फिर मैं मंदिर से जाके लेके आई थी। हाँ, मेडिटेशन के बारे में जब बताते हैं ना संगत, आप बोलिए हम ध्यान करते हैं, अच्छा ध्यान करते हैं, ये सब बताने की जरूरत नहीं है कि आपको मैं बताऊंगा कि क्या क्या करो, आप मत बताइए कि क्या क्या हम कर रहे हैं, वो सही चीज नहीं। टाइम भी नहीं बताना है आपको कि कितनी देर जी। कर रहे हो, सही है, वो बताना नहीं होता है। आप बस इतना बोलेंगे उसमें, आपका मतलब यहाँ सभी संगत से है, उतना बोलेंगे कि अच्छे गुरु की कृपा है, हम मेडिटेशन में बैठ जाते हैं, गुरु जी बिठवा देते हैं बस। हाँ हाँ जी। हाँ वो ज्यादा बात करते हैं ना वो टूट जाता है फिर वो। ये हुआ है मेरे साथ। हाँ हाँ वो होता है, होता है, ये होता है मैंने आंटी, होता है। एक दो अपनी फ्रेंड्स को बता दिया और मैंने नहीं नहीं एक्सपीरियंस नहीं बताना, नहीं बताना है, आप सत्संग में बताएंगे, फ्रेंड्स को इंडिविजुअली नहीं बताएंगे, नहीं करना है ये। जिस दिन सत्संग करोगे और उनका सुनने का दिन अगर हुआ, वो सुन लेंगे, उनकी किस्मत, आपको नहीं बताना है कि मैं मेडिटेशन करती हूँ, सत्संग उनको नहीं बताना है, फ्रेंड्स को, वो टूट जाएगा आपका, टूट ही चुका है ना। हाँ वो आंटी फिर ब्रेक हो जाएगा आपका मेडिटेशन। हाँ जी, हो गया था काफी दिन तक ब्रेक, फिर अब गुरु जी के आशीर्वाद से ही फिर से शुरू किया है। बस ये अपने तक रखिए उस चीज को, बस ऊपरी तौर पे बता देते हैं, ऊपरी तौर पे बताते हैं कि इतना बताना भी है ना, तुम भी करो तुम्हें भी लाभ होगा, बस इतनी बात करते हैं। अब उसको अगर दिन होगा उसका, ईश्वर चाहेगा, गुरु चाहेगा, वो अपने आप करेगी, आपकी फ्रेंड रुकेगी थोड़ी, आपको भी जोड़ा ही है ना किसी तरीके से। हाँ जी हाँ बिल्कुल। उसमें कहते हैं ये हमें सिखाती है, अच्छा आज ये करने लगी है तो अब ये हमें बताती है। इसमें ना अहंकार का एक पुट आता है, पुट, सामने वाला सोचता है अच्छा ऐसे वैसे, तो हम तो चाहते हैं किसी का भला, और हो जाता है उसका फिर नेगेटिव इफेक्ट हमारे ऊपर ही। नेगेटिव भी, और मैं जैसे अपनी फैमिली में अपने कजन सिस्टर्स को या मैं किसी को बोलती हूँ ना कि भाई थोड़ा अमृत वेला किया करो, भगवान का नाम लिया करो, तो कहते हैं कि हम क्या बूढ़े हो गए हैं जो अभी से हम ये चीजें बस करें। कोई बात नहीं, तो एक बार आंटी, मैंने एक बार बताया बोले, एक बार, बार बार नहीं, बोल दिया ना एक बार, बस उसके बाद बोला, बस कोई मैंने बात नहीं, ठीक उसके है, बाद बोला, बस कोई बात नहीं है। अच्छा आपने अपना काम कर दिया, उन्होंने अपना काम कर दिया, सब हाँ ठीक है, जी। गुरु जी के ठीक है। बारे में भी जैसे उनको बताती हूँ तो फिर वो मेरे सामने तो सुन लेते हैं, फिर मेरे सामने तो बात करेंगे गुरु जी ये हैं गुरु जी वह, फिर पीछे से मजाक उड़ाते मुझे, जैसे एक दो बार नोटिस किया मैंने, मुझे पता भी चला है, जैसे फैमिली में ये बातें पता चल ही जाती हैं। गुरु की बात करें उसी से जो आपके साथ की संगत हो, हाँ संगत जी आपको समझेगी कि आप गुरु की बात कर रहे हो, जो हाँ जी बाहर का बंदा है वो तो उसे मजाक उड़ाना ही है, हाँ उसके जी गुरु नहीं है बिल्कुल वो, उसके नहीं है वो, आपके गुरु हैं। आप सोचते हो वो भी उतनी इज्जत दे, वो कहते हैं भाई मेरे लिए तो ऑर्डिनरी आदमी है वो तो कुछ भी हाँ कहते हैं, गंजा आदमी है ये, तुम क्यों करते हो भाई, कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, उनकी बात छोड़ दो, लोग बोलते रहते हैं कुछ भी, लोगों पे ध्यान मत दो आप। एक बार मेरे और हस्बैंड बहुत बात सारी संगत वेट कर रही है आंटी। ले अंकल जी वो बोलो आंटी, आप पूरा 1 घंटा लग जाएगा इसमें, तो बोलिए बोलिए जल्दी बोलिए, माइक ऑफ हो गया आपका, माइक ऑफ हो गया, हाँ जी मैंने बोलिए। किया था, मैं बुला जल्दी। अच्छा ये काफी दिनों से कनेक्ट कर रहे हैं आप, रोज लेकर बैठते हैं पर कनेक्ट ही नहीं होता, और आज मैंने पहले भी नहीं किया तभी होगी। अच्छा जय गुरु जी, जय गुरु जी अंकल, जय गुरु जी संगत जी। जी जी बताइए अंकल। परसों मैं कनेक्ट हो गया था बट वॉइस की कुछ प्रॉब्लम थी, वॉइस ब्रेक हो रही थी, फिर आपने कहा कि मैं नेक्स्ट को ले लेते हैं संगत को, उसके बाद आपको लेंगे, फिर मेरा नंबर नहीं आया सर, गुरु जी को स्वीकार नहीं था, और आज सौभाग्य प्राप्त हुआ है आंटी जी के से, गुरु जी की कृपा हुई है। जी अंकल कुछ शेयर करना चाहते हैं, बस अपना यही करना था, कुछ सत्संग शेयर करना है आपको, छोटा सा 5 मिनट, जर्नी छोटी सी है। हाँ बताइए। एक साल हमें गुरुजी से जुड़े भी हुआ है, तो इस एक साल में एक सत्संग तो आंटी ने आपको बताई दी है जो हमारी शुरू शुरू में हुई, बेसिकली वो इन्होंने पूरा नहीं बताया, मेरे साथ एक ऐसा वाक्य हुआ गुरुजी को लेके, जब ये स्वरूप फर्स्ट टाइम जब ये गए तो मुझे साथ ले गए सत्संग में,
मैं गया पंचकुला रेड बिशप में, सत्संग थी, काफी बड़ी सत्संग थी पंचकुला में, हम वहां गए तो वहां से स्वरूप एक आंटी ने हमें दिया, घर पे स्वरूप ले आए, स्वरूप लगा दिया। मैं फाइनेंशली जैसे ही घर पे स्वरूप लगा, मेरा एक एक्सीडेंट हुआ, फाइनेंशली इतना मेरा मतलब लॉस हुआ बहुत ज्यादा। एक महीना ही हुआ था घर पे स्वरूप लगे और मैं बिल्कुल टूट चुका था अंकल जी, और पता नहीं मुझे एकदम क्या हुआ, मैं शाम को तड़कता भड़कता बाहर से आया, किसी चीज को लेकर गुस्से में था, और बस एकदम से क्या हुआ, स्वरूप को उठाया और मैंने दे मारा कि मैं पागल हूँ, एक महीने से इनका सब कुछ जाप कर रहा हूँ, तू पागलों की तरह पूजा कर रही है, और जब से ये मेरे घर पे आए, मेरे घर पे ना खाने को दाना है ना कुछ है, हम परेशान हैं, ये हो क्या रहा है। मैंने वो उठाया और फेंक दिया। उसके बाद हफ्ता 10 दिन तक हमारी आपस में बात नहीं हुई, और उसको ना मैं बार बार टूटे हुए स्वरूप को देखता रहा, फटा हुआ टूटा हुआ स्वरूप में उसको देखता रहा कि यार तूने किया क्या है, तूने किया क्या है, इनका कसूर क्या था, हो सकता है मेरा कुछ ऐसा हो जो इन्होंने अपने ऊपर लेकर मेरे कष्ट काटे हो। धीरे 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 मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, गुरुजी का वो कुछ भी मान लीजिए अपनी तरफ एक खींचना था। आज गुरुजी की इतनी कृपा है, इतनी कृपा है, अभी मैं सुन रहा था इनको कि अमृत वेला है और गुरुजी की कृपा से बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा है। आज एक एक श्वास पे उठते बैठते सोते जाते, कई बार तो ऐसा होता है अंकल जी, मैं रात को मेरी आंख खुलती है 1 बजे 2 बजे तो मेरे मुख से भी जाप निकलता रहता है। तो मुझे इतनी खुशी है कि गुरुजी ने मुझ जैसे एक बेकार इंसान को अपने पास बिठाया, अपना बच्चा बनाया, उसके लिए गुरुजी का इतना शुक्राना है मैं बता नहीं सकता। मुझे इतना है कि मेरे सांस सांस पे गुरुजी का नाम निकलता है, और मैं यही चाहूंगा जब तक इस शरीर में प्राण है, मेरी इस जीवा से मेरे श्वास पे गुरुजी का नाम का सिमरन रहे, यही मेरी छोटी सी। वेरी नाइस अंकल, जो आपने जैसे बोला ना स्वरूप वाला बात, स्वरूप फेंका एंड ऑल, कई बार किसी को जगाने के लिए, जैसे कोई सोल बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी सोल है, लेकिन वो सो गई है, बेहोशी की दवाई खा के सो गई है। सोल तो अच्छी है, बहुत अच्छी सोल है, लेकिन वो बेहोशी की दवाई खा के सो गई, उसको जगाने के लिए बहुत जोर की झटका देना पड़ता है, हिलाना पड़ता है। जब तक हिलाएंगे नहीं बहुत जोर की, तब तक वो सोल जागेगी नहीं। तो आपको जगाने के लिए, जो आप बोल रहे हो ना कि बहुत कष्ट का समय रहा वो वाला जो एक टाइम था जी जी, तो वो अगर समय रहता नहीं तो आप यहां तक पहुंचते नहीं जी। वो रहने का कारण है आपको यहां तक पहुंचाना, और अभी आगे आप देखोगे, आगे के टाइम में आपको और पता लगेगा कि ये जो समय था ये मुझे क्यों दिखाया गया है, पता चल जाएगा, आपको खुद पता चलेगा कारण होता है उसके पीछे, और 5 साल बाद अच्छे से समझ आ जाएगा आपको, खुद दिखेगा आपको, आप कहोगे यार मैं क्या सोचता था, और ये तो मेरे भले के लिए काम हुआ है, आप समझ जाएंगे इस बात को। चलिए थैंक यू अंकल जी। अंकल जी मुझे गिल्ट फील होता है कि मैंने अपने इन हाथों से गुरु जी के स्वरूप को उठा के जमीन पे फेंका, मुझे आज भी गिल्ट होता है वो। बहुत सारे लोग ये करने के बाद कभी जुड़ नहीं पाते, आपको जोड़ने का गुरु जी का संकल्प था कि इसको मैंने जोड़ना है, तो ऐसा मैंने कई बार सत्संग में बताया है अपने कजन्स के बारे में, उनके पूजा पाठ करते थे मेरे कजन्स पूरी फैमिली, लेकिन जब मेरे ताऊ जी की डेथ हुई तो उन्होंने फेंक के मारे शंकर भगवान की फोटो, मैं छोटा था काफी 10-11 साल, मैं हिल गया उस टाइम, मैं बिल्कुल हिल गया, मतलब मुझे समझ ही नहीं आया कि ये लोग इतनी पूजा करते हैं तो ये हुआ क्या। तो लेकिन आपकी किस्मत, आपके कर्म, आप एक ऐसी सोल जिसको जगाना था, हिला के जगाना था, और कहां से कहां तक पहुंचा दिया। नहीं तो फिर अंकल जो आपने करा था वो तो काम तो गलत ही था, लेकिन फिर आप देखो आज आप जो बात कर रहे हो वो बिल्कुल उलट है उसके, अब लग ही नहीं रहा कि ये वो बंदा है जिसने ये किया होगा। आप अपने आप से भी पूछोगे ना, आप कहोगे यार मैं वही बंदा हूं जिसने वो काम किया था, आपको लगेगा मैं वो नहीं हूँ, वो कोई और था, मैं कुछ और हूँ। तो अंकल यहाँ तक पहुंचने की जो जर्नी है ना वो बहुत बड़ी है, वो सारे जो पिछले आपके दुख दर्द रहे हैं ना अंकल, वो उसके बिना यहाँ तक पहुंच नहीं पाते आप। भक्ति में, स्पिरिचुअलिटी में, संसार की मुझे नॉलेज नहीं है,
इस बारे में मैं कोई आपको बता नहीं सकता कि लॉटरी कब लगेगी, पैसे कब छत से गिरेंगे, उसका आइडिया मुझे नहीं है जी। वो आइडिया कहीं और से आपको लेना पड़ेगा। नहीं, उसकी मुझे इतना पता है, अगर मेरे गुरु ने मेरा हाथ पकड़ लिया तो बस फिर जो है उसमें संतुष्टि रखनी है, जो हमें मिले। हाँ जी, हम एक कमरे में रहे तब भी खुश, 10 मिले तब भी खुश। पहले क्या होता था अंकल जी, जैसे थोड़ा सा फाइनेंशियली डाउन आता था, किसी चीज को लेकर स्ट्रेस होता था, तो चेहरे पे एकदम से गुस्सा आ जाना, परिवार में सबसे लड़ाई करनी, चिड़चिड़ा रहना। आज अगर ऐसा कुछ होता है, कोई नहीं यार, गुरु जी है, वो बैठे हैं, वो अपने आप देख लेंगे। जी चलो, नजर आ रहा है आपके चेहरे से, नजर आ रहा है बहुत आपकी प्रगति करी है गुरु जी ने। तस्वीर तोड़ने वाला व्यक्ति अगर आज इतना ऐसे जुड़ के बैठा है तो ये कोई उसके सोल, अच्छी सोल का सिग्नल है, गुरु जी की कृपा है। वेरी गुड सोल, वो कनेक्शन बनाना था, गुरु जी ने आपको जोड़ दिया, जोड़ना था तो जोड़ ही दिया। चलिए, आज भी मैं फोन को डेली चेक करता हूँ, कहीं सत्संग का कोई मैसेज आया किसी ग्रुप में, कहीं सत्संग है मेरे नियर बाय, मुझे वो वेट रहती है अंकल जी। जी जी जी, चलिए थैंक यू, थैंक यू अंकल। तो ये अंकल के थ्रू आप ये देखिए, इससे पता एक बात चलती है, अगर गुरुजी ने जोड़ना है ना आपके हस्बैंड को, स्पेशली मैं आंटी से बात कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी आंटीज की ये कंप्लेंट होती है कि हम चाहते हैं हमारा हस्बैंड जुड़ जाए, हस्बैंड जुड़ जाए, उसके पीछे लगे हुए हैं। वो कभी कहते हैं जी पैरों से हमारे हस्बैंड ने गुरुजी के स्वरूप पे ऐसे कर दिया, कोई कुछ बताते हैं, कोई कुछ कहते हैं, डांटा हमें, मारा हमें। भाई अगर गुरुजी ने जोड़ना है ना आपके घर वालों को, तो वो गुरुजी पे तो छोड़ दो, उस बात को गुरुजी पे छोड़ दो, आप अपने ऊपर क्यों लेके बैठे हो। ऐसे ऐसे चुटकी बजेगी ऐसे, और गुरुजी आपके जो हस्बैंड हैं या जो आपके सास ससुर हैं जो भी हैं, वो आपको बोलेंगे अपने आप कि हमें अपने गुरु के पास लेके चल, वो बोलेंगे आपको, आप पीछे मत लगो उनके। ये आप याद रखिए बात, क्योंकि इससे आप परेशान होते हो फिर, मेरा हस्बैंड नहीं जुड़ रहा। जुड़ेगा, जब समय आएगा तो जुड़ जाएगा, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, जिसको मानते हैं उसको मानने दीजिए, फोर्स थोड़ी कर सकते हैं किसी को, किसी का नहीं। बच्चे का मन अलग हो सकता है, वाइफ का अलग हो सकता है, हस्बैंड का अलग हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, माँ बाप का भी अलग हो सकता है, फोर्स नहीं करना किसी को।